तो हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनटीआर ऑटो कंपोनेंट्स के स्टॉक की, क्योंकि फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट हो गया है और इंट्राडे में ये जो स्टॉक है 730 के लेवल को क्रॉस कर गया था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल 5.53% की रैली के साथ ये स्टॉक 701 की प्राइस पर क्लोज हो गया है। तो आइए इसके भी फंडामेंटल, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस का डाटा है वो डिस्कस कर लेते हैं, और निवेश की राय भी एंड में हम आपको देने जा रहे हैं। सो एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक ही तरीका है पैसा कमाने का कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को आप अकमुलेट करो और उनको होल्ड करो, तो आपका पैसा बाय डिफॉल्ट बनता रहेगा। आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस कर लेते हैं, लेकिन नए आए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों क्लियरली इसके स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। 5 डे में देखो 18% से ज़्यादा रैली इसके चार्ट में दिख रही है, जबकि 1 मंथ में भी 21% का बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। पहले 600 के अराउंड इसका एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन रेंज था और ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। सडनली 15 मई के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 6 मंथ में 16.93% के रिटर्न है। यहाँ पर भी देखो पहले इस स्टॉक ने 686 का हाई लगाया था ऑन 7th February 2023, लेकिन अब इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो क्लियरली एक ब्रेकआउट पैटर्न है। ये स्टॉक अपने जो है 6 मंथ के हाई लेवल को ब्रेक कर गया है और 1 ईयर के हाई लेवल को भी ये ब्रेक कर गया है। 70% के रिटर्न्स लास्ट 1 ईयर में मिल चुके हैं, जबकि 5 ईयर्स में देखो 478% के मल्टी बैगर रिटर्न्स हैं। ये जो स्टॉक है ये जुलाई 2020 में लिस्ट हुआ था, तो उसके बाद देखो कितने शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों क्या होता है, कोई भी स्टॉक तभी रैली करता है जब उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हैं और उसकी वैल्यूएशन सही होती हैं। तो आइए इसके वैल्यूएशंस का फाइनेंशियल का डाटा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसके फंडामेंटल भी हम लेके चलते हैं। दोस्तों इस स्टॉक कंपनी का जो मार्केट कैप है 395 करोड़ का है, जबकि पीई मल्टीपल 16 के चल रहे हैं और पीई इंडस्ट्री की देख लो 36 के अराउंड है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है, सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। आरओई परसेंटेज भी डिसेंट है, 8% से ऊपर है। EPS 40.73 रुपीस का चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.38% का है। तो सारे ही फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं, वैल्यूएशंस भी सही हैं, इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक जो है वो सस्ता है। लेकिन दोस्तों आइए इसके पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट जान लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो दिसंबर क्वार्टर तक अवेलेबल है नंबर्स, यहाँ पे देखो जून 22 ऑनवर्ड्स इसके जो रेवेन्यू में कंटिन्यूसली ग्रोथ है। जून 22 में इसका जो रेवेन्यू आया था 63 है, और सितंबर 22 में 93 करोड़ हो गया, दिसंबर 22 में 106 करोड़ हो गया। तो कंटिन्यूसली इसके रेवेन्यू में जंप देखने को मिला हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो इसके जो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिसंबर क्वार्टर के नंबर जरूर नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ देख लो, ये भी इस कंपनी का बढ़ रहा है। जीएलई परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही शानदार ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, लीनियर ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा। 2020, 2021, 2022 इसके ग्रोथ जो नेटवर्थ ग्रोथ ही देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। अब देखना होगा कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नतीजे कैसे रहते हैं, क्योंकि कंपनी एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है। दिस इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेटिंग एंड असेंबलिंग ऑफ एवरी काइंड ऑफ ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सीट्स, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट्स फॉर द सीट्स एंड टू डील इन ईच काइंड ऑफ द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ द कंपोनेंट्स। तो दिस इज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ द सीट फ्रेम्स एंड ट्रिम्स फॉर फोर व्हीलर एंड टू व्हीलर व्हीकल्स एंड अदर एक्सेसरीज रिलेटेड टू कार सीट्स। तो कार सीट के रिगार्डिंग ये कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है, और यदि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास बहुत ही बड़ा स्टेक है, 73.95% का स्टेक है, रिटेलर के पास भी 26% से ऊपर स्टेक है। दोस्तों इस कंपनी में एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये कंपनी अच्छी कंपनी है, एक मल्टी बैगर स्टॉक है, वैल्यूएशन बहुत ही सही है, और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं दे आर आल्सो लुकिंग टू बी पॉजिटिव। दोस्तों अब इस कंपनी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की हुई है, वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। दोस्तों
इस स्टॉक ने वॉलेटिलिटी में भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो स्टॉक वॉलेटिलिटी में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही होते हैं, क्योंकि उन स्टॉक में ही आपको बाइंग देखने को मिलती है। तो आइए इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि इस कंपनी के बोर्ड की जो मीटिंग है वो 23 मई को होने जा रही है, तो कंसिडर एंड अप्रूव द कंटिन्यूशन एंड एडिशन ऑफ द डिस्क्लोजर मेड ऑन 16 मई 2022। मतलब इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो डिस्कस हो सकते हैं, एंड आल्सो टू कंसिडर इंक्रीज इन द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड टू इशू द बोनस शेयर्स। तो ये कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स भी दे सकती है। तो बोर्ड की मीटिंग होने जा रही है, बड़ा धमाका भी हो सकता है। इस कंपनी के जो है निवेशक उनको एक बोनस शेयर्स भी मिल सकते हैं, और यदि कंपनी डिविडेंड भी रिकमेंड करती है तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा। अभी तक इन्होंने बोनस शेयर का जो है वो कंसिडरेशन के लिए जो है वो अपडेट दी हुई है, तो एक अच्छी न्यूज़ है इसके इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनको एक अच्छा बोनस मिल जाएगा, उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, जिससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगी और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने निवेशकों को फिर शानदार रिटर्न्स जो है वो देती दिखाई दे सकती है। सो थैंक्स अगेन, आप भी इस स्टॉक पर फोकस कर सकते हो, लेकिन आप अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद फिर ही किसी स्टॉक में पैसा लगाएं।